हमारा जो था ना आज का मेन रीजन यहाँ आने का था कि उत्तराखंड में जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मर हैं उनको अदर स्टेट के फार्मर से जोड़ना, ताकि वो उधर की टेक्निक यहाँ पहुँच पाए और यहाँ की टेक्निक उन लोगों को पहुँच पाए। तो हम जो हमारे पास गूगल फॉर्म भराते हैं हम लोगों से, तो लोग एक दूसरे के जानकारी पहुँच पाए। तो कोशिश है हमारे कि लोग हमारा उत्तराखंड ऑर्गेनिक जो हो जाए जल्दी से जल्द। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज जो है ना हम जाने वाले हैं मुक्तेश्वर रामगढ़ की तरफ, और हम जाएंगे नैनीताल से होते हुए। तो गाइस अभी हैं हम बेलपड़ाव, और आज जो है ना मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, तो किसी कारणवश मतलब थोड़ा वर्क का लोड ज़्यादा था, तो इस वजह से आप लोगों के बीच में मेरा ब्लॉग भी नहीं आ पाया। तो आज चलते हैं हम मुक्तेश्वर की तरफ और दिखाते हैं आगे के नज़ारे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोग मेरा ब्लॉग का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो हम करते हैं जर्नी को स्टार्ट। हम निकल चुके हैं बेलपड़ाव से अपने कमरे की तरफ से, हम जाएंगे सीधे अब यहाँ से कालाडूंगी चौराहा से सीधे नैनीताल खुरपाताल होते हुए। हम हो चुके हैं मेन रोड पे कनेक्ट, और ये है हल्द्वानी टू रामनगर वाला हाईवे। और ये पीछे जो है ना थोड़ा बेलपड़ाव का मार्केट भी छूट गया, थोड़ा आगे है थोड़ा पीछे छूट गया। ये देखिए कॉर्बेट फॉल्स, ये देखिए ये जो है ना अंदर है, बढ़िया है। इसके अंदर आप जाइएगा कभी, पानी के झरने टाइप के हैं इधर इस साइड के अंदर को। और ये इस पास का नज़ारा है उस गेट के बाहर का जो है ना, ये शायद नया गांव चौराहा है। और ये आगे बिस्ती और बाजपुर को जाएगा, और ये सीधे हल्द्वानी और नैनीताल की तरफ है ना। अब अपना हिल स्टेशन शुरू होने लग गया है, और अपने पहाड़ों का मज़ा ही कुछ और है। और ये देखिए सामने ऊपर दिख रहा है आपको एक लकड़ी का आर्ट, ये देखिए कितना शानदार पुलिया बना रखा है। और ये जो है ना पूरे बांस की लकड़ियों का बना है। आएगा आप कभी इधर, मेरे सामने का नज़ारा देख रहे हैं, ये पूरा जिम कॉर्बेट वाला पूरा नेशनल पार्क है। और देखिए पूरा ही जंगल। और यहाँ से नैनीताल जो है ना अभी करीबन है हमारा 20 किलोमीटर के आसपास। ये देखिए बड़े बड़े हिल स्टेशन, और ये देखिए छोटी सी एक झील है, और ये मतलब खुद बनाई गई है, नेचुरल थी पहले वैसे, पर ये छोटी थी, अब इसको ना मैंने इसका थोड़ा विस्तारीकरण हुआ। तो ये टूरिज्म के हिसाब से ये देखिए बड़ी प्यारी जगह है, और यहाँ पर ना मैं पहले बोटिंग कर चुका हूँ एक बार। वो देखिए ये खुरपाताल की सामने लेक है, और ये सामने की जगह जो है ना पूरा चार खेत वाला है। और यहाँ से हम ऊपर से नीचे को आए हैं, ये देखिए कितने शानदार नज़ारे हैं। घोड़ों का झमेला देख रहे हैं जो झुकी पट्टी बने, ये जो है ना टिफन टॉप को जाएगा ये रूट आगे को। और यहाँ से हाई कोर्ट आने वाला है थोड़ी देर, नैनीताल हाई कोर्ट जो उत्तराखंड का है। और आगे के नज़ारा हम आपको दिखाएंगे जरूर, और वीडियो को जो है ना अंत तक देखें तभी आपको मज़ा आएगा, और रूट का भी पता चलेगा किधर को कैसे और कहाँ घूम सकते हैं हम। और ये है जो है ना कुमाऊँ विकास निगम का होटल है TCI का, ये देखिए। और हम पहले यहाँ पर अपना हेलमेट सामान वगैरह रख लेते हैं, और चलते हैं हम होटल के अंदर, और फिर जाएंगे हम कार में। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। होटल से हम जो है ना निकल चुके हैं, और हम चलते हैं गाड़ी में। गाड़ी तो सर ये है हमारी, इस साइड को जो है ना ये घोड़ा स्टैंड है, ये चौराहा देखिए। और यहाँ से आगे को हम नैना देवी की तरफ जाएंगे, और सामने जो है ना नैनी लेक दिख रही है, और मैं आपको कार से दिखा रहा हूँ थोड़ा। स्टैंड, और हम निकल चुके हैं भवाली की तरफ, ये जाएगा नीचे भवाली की तरफ। अभी जो है ना हम भीमताल आए थे कृषि अधिकारी जी से मिलने, और उत्तराखंड में ना ऑर्गेनिक को और बढ़ावा देने के लिए तो उससे संबंधित बात करने के लिए आए थे। तो अब हम जाएंगे रामगढ़ की तरफ, दिखाते हैं आगे के नज़ारे आपको। ये जो है ना पदमपुरी है, पदमपुरी से हम जा रहे हैं रामगढ़ की तरफ, और ये गुनिया लेक आ जाएगा, और ये जाएगा आगे सीधे डोल आश्रम भी जाएगा ये रूट। और ये जो है ना जो धारी से थोड़ा आगे निकलने के बाद, और हम चाय वगैरह पीने के बाद हम चलते हैं आगे रामगढ़ से आगे सूपी। ये जो है ना थाना चूल्ही की मार्केट है,
और यहाँ से हम आगे बढ़ते लिया मुक्तेश्वर, और हमने जो मेन जगह जाना है वो सूपी गांव जाना है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे ज़्यादा फेमस है। ये सर करने तो बाउन है, बाउन आजाद कंपनी का है, ये कर सकते हैं आपकी इच्छा। ये जो है दाना चुली की मार्केट है, हमारे पास आगे अभी जो है ना, हम दाना चुली से आगे निकलने के बाद दाना चुली बैंड था और वहाँ से ये दूसरा कश्या लेक के लिए जाता है, तो उस जगह पे हैं हम, और यहाँ से हम श्याली खेत को जाएंगे भटेलिया मुक्तेश्वर आगे की तरफ, और ये हमारी गाड़ी रही। यहाँ देखिए ये फॉरेस्ट का नज़ारा, देखिए देखिए अद्भुत नज़ारा भाई, मज़ा आ गया। अभी जो मेरे सामने ये जगह देख रहे हैं आप, अभी हम हैं मंगोली, और ये जो है ना मुक्तेश्वर और भटेलिया से जब हम दूसरा रूट आता है तो उस साइड को आए हैं, और इस साइड देखिए ये पूरी आलू की खेती हो रही है, और यहाँ जो है ना पूरी ऑर्गेनिक खेती होती है, और आगे आगे हमारी टीम चल रही है, तो हम साथ साथ ब्लॉग बनाते हुए भी चल रहे हैं और दिखाते हैं। हम जिनके पास जा रहे हैं ना, उन लोगों के पास जो है जड़ी बूटियों का काम है, तो हम आपको बताएंगे जड़ी बूटियों के बारे में भी। ये देखिए अद्भुत नज़ारे हैं भाई, और इस जगह पर ना करीबन जब बर्फ़ का सीज़न होता है तो करीबन 5-6 फीट बर्फ़ पड़ती है, और सीज़न के टाइम पे ये चीज़ें बंद हो जाती हैं, रास्ते वगैरह रूट वगैरह सब बंद हो जाते हैं। और ये जो है ना पैदल शायद घोड़ों का रास्ता है, ना ऊपर पता नहीं कितना है, लेकिन पीछे पीछे हमारी पूरी टीम आ रही है, जो हमारे साथ टीम आई है दिल्ली से, और जो मैम है हमारी नैनीताल से, और थोड़ा जो है ना अभी हम थक चुके हैं, हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि कम से कम 1.5 किलोमीटर से ऊपर पैदल चढ़ चुके हैं, अभी पता नहीं ऊपर कितना है। और ये देखिए पूरे आड़ू के बगान, ये देखिए ये अच्छी जगह प्यारी थोड़ा सा ना चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, अब थोड़ा सीधा सीधा रास्ता आ गया, और ये देखिए नेचर नेचर का नज़ारा, ये देखिए वो सामने वाला। हमारा जो था ना आज का मेन रीज़न यहाँ आने का था कि उत्तराखंड में जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मर हैं उनको अदर स्टेट के फार्मर से जोड़ना, ताकि वो उधर की टेक्निक यहाँ पहुँच पाए और यहाँ की टेक्निक उन लोगों को पहुँच पाए। तो हम जो हमारे पास गूगल फॉर्म भराते हैं हम लोगों से, तो लोग एक दूसरे के जानकारी पहुंच पाए, तो कोशिश है हमारे कि लोग हमारा उत्तराखंड ऑर्गेनिक जो हो जाए जल्दी से जल्द, और जो यहाँ ना अपार संभावना भी है ऑर्गेनिक को बनाने के लिए। मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत मतलब प्रकृति की तो अद्भुत नज़ारे हैं भाई, नेचुरल मतलब प्रकृति ने हमको क्या क्या दिया ये हम सोच नहीं सकते, और हमको कहीं ना कहीं इन चीज़ों की केयर भी करनी चाहिए, जो नेचुरल चीज़ें हमको प्रकृति से मिलती हैं। अब बाकी हम जो है ना उनके घर पे जाके जो जड़ी बूटियाँ उन्होंने रखी हैं, जिस चीज़ पे वो काम करते हैं, और जो उनका एप्पल का बागान है आडुपुलम, और उनको कैसे संरक्षित किया जा सकता है उसके बारे में बताएंगे, और साथ साथ आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे भी। जब हम मिलने आए थे ना, मतलब जो हमारा को नीचे लेने भी आए, तो शायद उनका घर आ चुका है, और ये देखिए कितना प्यारा घर है। ये गोभी ट्राई करके, गोभी ट्राई इसको कैसे करते हैं, ये आलू पोटैटो बॉईल करके, ये तल लो है, नहीं ये सब्जी के लिए होता है। आपने लगा रखा था ये है जेरेनियम का है और मार्जोरम है, तो
और ये आपका दालचीनी ठीक है, ये रोजमेरी हो गया, ये रोजमेरी। इनकी एक बात बताइए, जो ये आपने सुखा लिए पत्ते, पहले से बताइए कि लाइफ क्या रहती है ये? लाइफ करीब 2 साल से ऊपर टिकाऊ। कीड़ा लगता है ये दादी? एक ये जो है मिक्स है, ये चाय बना चाय वही जो मिक्स वाली मिक्स से चाय बना। ये चाय कितनी है आपके पास बताइए? ये है अभी है ना, ये लेते हैं क्योंकि कल हमने उसके लिए ना कौन सी हम लेते हैं इसका मिक्सचर पाउडर भी बनाते हैं। ये बताइए क्या बताता हमने, ये वो है ना दालचीनी? दालचीनी नहीं आ रही वो तो फिर मसाले के से डालेंगे। तो ये किस चीज का है? ये मिक्सचर पाउडर है, मसाले प्रबल है आप सलाद में। ये सारा देख रहे हैं, ये जो है ना पूरी जड़ी बूटी और अलग अलग किस्म की है, जैसे ये सारी जड़ी बूटी वगैरह। ये जो है ना सूफी गांव में सुगन सिंह बिष्ट जी का घर है, तो इन्होंने पूरा जड़ी बूटी पहाड़ी का जो पहाड़ में होता है हमारे जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही, ये उन चीज़ों को उजागर कर रहे हैं। तो हम इसी को आज देखने आए थे, और ये जो हमारी दिल्ली से टीम आई थी वो देखने आई थी, तो हम उनको दिखाने लेके आए थे। ये है सुगन सिंह बिष्ट जी, ये जो है ना सौर ऊर्जा से कीमोमाइल्स चाय के लिए जो यूज किया जाता है कीमोमाइल्स। अभी जो है ना हम करीबन ये जो सोवन सिंह बिष्ट जी के जिनके घर पर आए थे, जो ऑर्गेनिक फार्मर थे, तो उनका करीबन ये पूरा 1.5 हेक्टेयर में करीबन ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और ये पूरा जड़ी बूटियों का अभी है इनके पास, मैंने अभी वीडियो में आपको दिखाया था। और अब जो है ना काफ़ी समय भी हो गया है, तो चलेंगे, और खाना भी नहीं खाया अभी तक, तो हम जो है अब थोड़ा निकलने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए पूरा इनका बागान ही बागान है, जहाँ तक नज़र डालेंगे सारे बागान ही बागान हैं। और यही नहीं, इन्हीं के पास नहीं, हर किसी के घर में यहाँ लगभग बागान है अपने अपने। तो कैसा लगा आज का वीडियो देख के, और आज का वीडियो आपका ब्लॉग, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें, ताकि मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ साथ अगर ज़्यादा पसंद आई तो अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नई नई वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। और मिलते हैं अगली जल्दी और एक नई वीडियो के साथ, शायद आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है, तो मिलते हैं नई जल्दी के साथ।